तालाब किनारे मंगलवार की रात एक युवक का शव बरामद हुआ। आपसी विवाद के चलते दो युवकों ने मृतक संघर्ष जय ताला निवासी को मौत के घाट उतार दिया। अमरझरी थाने एवं प्रताप नगर पुलिस दोनों ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। इस दौरान जोन क्रमांक 1 के उपायुक्त लोहित मतानी, प्रताप नगर पुलिस थाने के निरीक्षक अरविंद रघुवंशी, अमरझरी थाने के वरिष्ठ निरीक्षक गजानन कल्याणकर आदि सह दल बल मौके पर पहुंचे। फिलहाल दोनों ही आरोपी पुलिस हिरासत में है। कल प्रतापनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत अंबाझरी तालाब से लगकर एक डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी की जब ओड़क की गई तो ये पता चला कि संघर्ष मेश्राम नाम के युवा जो जैताड़ा में रहता है उसकी डेड बॉडी है। उसकी जब इंक्वायरी की गई तो समझ में आया कि एक दो आरोपी हैं, एक शुभम साहू और एक मोहम्मद सारून। ये दोनों के साथ में वो जैताड़ा से अंबाझरी की तरफ आया था और वहाँ पर इन दोनों ने उसको हथौड़े से सर पे मार के उसकी हत्या की है। इसमें अभी तक दो आरोपी अटक हो गए हैं। जो हत्या का कारण है कि इसमें जो संघर्ष मिश्रा में है और उसका जो दोस्त एक है रोहित लोखंडे, इनका इनसे पुराना झगड़ा था। एक लेडी के ऊपर से इनका पहले वाद हुआ था और उस झगड़े के ऊपर से कल इन्होंने रंजिश के हिसाब से संघर्ष मिश्रा को साथ में अंबाझरी लेके गए और वहाँ पर उसको मार दिया। मृतक कोई काम नहीं करता था। अपराधियों का जो शुभम शाहू है उसमें एक 425 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हुई है। जो मोहम्मद सारून है उसके ऊपर एक बजाज नगर का 307 का गुना है 2018 का। इसके अलावा चोरी के दो गुने हैं और एक 160 का अंबाझरी का गुना है। इसमें जो मृतक है उस पर कोई पुराने गुने नहीं है और बाकी अभी आगे की तपास चालू है। NBC न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।